हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो शुरू करने से पहले ये तीन वीडियो जरूर देख लीजिए, जो कि फंडामेंटल्स बहुत फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक है। इसको हमें कौन सा एक लेवल है, मतलब जो लेवल पे हम बिल्कुल नज़र रख सकते हैं और उस लेवल पे बाय करके चल सकते हैं, ये वीडियो को जरूर देख लीजिए, जो कि हनीवेल ऑटोमेशन है और एक नाम इंडिया है और एक है इन्फो एज। ये बहुत फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो जरूर देख लीजिए। फ्रेंड्स, अभी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी अगर हम बात करेंगे बजाज कंज्यूमर केयर के बारे में, काफ़ी सारा फ्रेंड्स का यही सवाल था, बजाज कंज्यूमर केयर में हम लोग का पोजिशन है तो हमें क्या करना चाहिए, सेल करके निकल जाएंगे कि होल्ड करेंगे। तो उनके रिक्वेस्ट का बेसिस पे ये वीडियो बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं, ये 2850 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका जो आरओसी है 37 का आरओसी है, डेट फ्री कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रमोटर प्लेज का, प्रमोटर प्लेज 0 है। ऑल टाइम हाई का अगर हम बात करेंगे, लाइफ टाइम हाई का, यहाँ पे 525 का है। अभी बिल्कुल यहाँ पे 60% डिस्काउंट पे चल रहा है, 193 के पास में। तो क्या करना चाहिए, अभी बाय कर लें क्या? वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, तो मैं ज़रूर बताऊँगा इसमें। अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो कंपनी है, तो यहाँ पे ऑयल इनका जो मेन बिजनेस है बजाज कंज्यूमर का, यहाँ पे जो ऑयल सेगमेंट में 64% का रेवेन्यू आता है। इसका अगर मेन प्रोडक्ट का हम बात करेंगे, यहाँ पे तो सबको मालूम होगा जो कि ऑलमंड ऑयल है, इनका एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है, ठीक है ना, बजाज ऑलमंड ऑयल है। तो अगर हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देखिए बजाज ऑलमंड ड्रॉप्स, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है इनका। तो इस और एक हेयर ऑयल है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी का अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें, तो यहाँ पे सितंबर का क्वार्टर में 216 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ है, जो कि सेल्स में बिल्कुल नेगेटिव जरूर हमें दिख रहा है, जो कि फ्लैट है। तो लास्ट सितंबर में 227 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ था, अभी 216 करोड़ का सेल्स हुआ है। सेल्स में तो इतना ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट सितंबर में 57 करोड़ का था, अभी अगर देखेंगे 47 करोड़ का प्रॉफिट में डिक्लाइन जरूर हुआ है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ तो नहीं हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। प्रॉफिट में 57 करोड़ लास्ट सितंबर में था, अभी 47 करोड़ का प्रॉफिट आया है। अगर लास्ट चार क्वार्टर का अगर हम प्रॉफिट देखेंगे, तो यहाँ पे 207 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम सेल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे 930 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ है, ठीक है। तो सेल्स में तो इतना ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसीलिए स्टॉक इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे, तो यहाँ पे रिजर्व 780 करोड़ का रिजर्व हो चुका है, रिजर्व में बिल्कुल ग्रोथ नज़र आ रहा है, जो कि लास्ट मार्च 2020 को अगर देखेंगे 638 करोड़ का रिजर्व था, बाद में मार्च 2021 को यहाँ पे 742 करोड़ का रिजर्व हुआ। अभी अगर सितंबर में हम देखते हैं, यहाँ पे 780 करोड़ का रिजर्व है, रिजर्व तो ग्रोइंग हो रहा है। अगर हम बोरोइंग की बात करेंगे, लास्ट क्वार्टर में मार्च 2021 को 5 करोड़ का बोरोइंग था, अभी बिल्कुल डेट फ्री हो चुका है। जहाँ तक प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पे 38% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, एफआई के पास में 24% का होल्डिंग है, और डीआई के पास में 13% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास में 23% का होल्डिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इस स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर डिलीवरी हम देखें, तो इस स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3% का गिरावट हुआ है, जो कि अभी स्टॉक अभी बिल्कुल 192.6 पे है। तो इस हिसाब से अगर हम इस स्टॉक का अगर डिलीवरी हम चेक करें, 6 लाख क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है, तो यहाँ पे डिलीवरी 3 लाख क्वांटिटी उठाया गया है, जो कि 53% का डिलीवरी फ्रेंड्स उठाया गया है, एक बढ़िया सा डिसेंट डिलीवरी ये स्टॉक में उठाया गया है। अगर हम चार्ट पैटर्न में जाके देखें, तो ये स्टॉक में हमें क्या आगे के लिए रणनीति करना चाहिए फ्रेंड्स। ये जो ब्लैक कलर का लाइन है, ये 200 डे का मूविंग एवरेज है। अगर आपको फ्रेंड्स कैसे हम मूविंग एवरेज सेट करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज कैसे हम सेट करते हैं, आपको अगर सीखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, जरूर आप विजिट करके वहां से देख सकते हैं, या तो फिर चैनल पे आप जाके डायरेक्टली यहां पे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में यहां पे जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर किए हैं, जो इम्पोर्टेंट वीडियो है यहाँ पे जाके जरूर देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल यहाँ पे है, यहाँ पे 10 वीडियो ऑलरेडी है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जीरोधा में कैसे सेटिंग करते हैं, जीटीटी वगैरह ये सब देख के यहाँ पे जरूर सीख सकते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का जो स्टॉक है, जो स्विंग ट्रेड का स्टॉक है, वो सब देख के अपना टारगेट प्राइस पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ठीक है। आप जरूर देख सकते हैं, वीडियो में विजिट कर सकते हैं। अभी चलिए यहाँ पे अगर देखेंगे, स्टॉक बिल्कुल 200 डे का नीचे चल रहा है, 200 डे का मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ चुका है।
अगर हम देखेंगे, आपको अगर बिल्कुल एक चीज नजर आएगा तो यहाँ पे अगर स्टॉक का हम RSI की बात करेंगे, RSI बिल्कुल 30 के नीचे भी आ चुका है, जो कि अभी 27 पे RSI चल रहा है। पूरा मार्केट में अभी गिरावट चल रहा है, इसकी वजह से ये सारे स्टॉक में भी बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। मार्केट निफ्टी के साथ में बिल्कुल ये सब गिर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इमिडिएटली आपको स्टॉक में लॉस बुक करके निकल जाना है। कौन सा एक लेवल का ऊपर हम बिल्कुल नज़र रखना चाहिए फ्रेंड्स, अगर स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल ये चीज़ का जरूर आपको एक चीज़ पता चलेगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, एक सपोर्ट जोन पे ये स्टॉक चल रहा था, ठीक है ना। ये जब सपोर्ट को तोड़ दिया ना ये स्टॉक ने, तो उसके बाद में काफ़ी करेक्शन आ चुका है ये स्टॉक में, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन था, जो कि काफ़ी दिन से ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। अगर देखेंगे ये सपोर्ट जोन को जब तोड़ा, उसके बाद में स्टॉक में काफ़ी बड़ा करेक्शन आ चुका है। अगर इसी हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट जो था, नेक्स्ट सपोर्ट को भी तोड़ चुका है। अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे था, ये सपोर्ट को भी तोड़ चुका है। तो अभी इसी हिसाब से स्टॉक में अगर देखा जाए तो स्टॉक में एक पोजीशन तो इसी हिसाब से हो चुका है कि दो सपोर्ट भी टूट चुका है, 200 का मूविंग एवरेज के या नीचे भी आ चुका है। तो इसी हिसाब से अभी अगर स्टॉक में आपको सेल करने के लिए आप सोच रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो में कहीं पे अपर लेवल पे बाइंग करके रखे हुए हैं, मेरे हिसाब से आप इमिडिएटली बाय मत, मतलब सॉरी सेल मत कीजिए। क्योंकि स्टॉक में कभी भी एक बढ़िया सा, जैसे निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चलेगा, तो उस टाइम पे हो सकता है काफ़ी सारा स्टॉक में जिस हिसाब से मूवमेंट आया है, जिस हिसाब से ग्रोथ आया है, तो ये स्टॉक में इतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया, लेकिन ये जो लेवल है ना, कभी भी एक बढ़िया सा लेवल तक जा सकता है। जो मिनिमम आपका इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, मैं आपको बताता हूँ, ये लेवल तक स्टॉक तो जरूर जा सकता है, ठीक है ना। इसी साल में जरूर ये लेवल को जरूर टच कर सकता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे 323 का लेवल है, वो इजीली आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इंतजार करेंगे तो ये लेवल आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर पहला टारगेट की बात हम करेंगे तो स्टॉक तो पहले ये टारगेट को बिल्कुल रेस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये टारगेट तक बिल्कुल जा सकता है। ये जो टारगेट, पहला टारगेट है स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा निफ्टी, जिससे कंसोलिडेशन चलेगा ना, ये लेवल आपको इमीडिएट अचीव होगा, इमीडिएट ये लेवल अचीव हो सकता है, जो कि 283 का लेवल है, ठीक है। ये जो लेवल है ना, आपको इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 283 का जो लेवल है, यहाँ पे दो बार रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है स्टॉक ने। तो इस हिसाब से ये जो लेवल है 283 का लेवल, आपको इमीडिएटली अचीव हो सकता है। अगर आपको इमीडिएटली पोजीशन बनाना है, मेरे हिसाब से तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सारे लार्ज कैप स्टॉक है वहाँ पे पोजीशन बनाइए। फिर भी अगर आपको ये स्टॉक अगर आपका फेवरेट है, आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप इस लेवल से अगर पोजीशन बनाएंगे, यहाँ तक आपको एक 47% का गेन मिल सकता है। ये ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा, आपको 6 मंथ्स में ये कवर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल भी मेरे हिसाब से आपको 8 मंथ्स 9 मंथ्स में ये लेवल जरूर देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलेगा, तो उस हिसाब से ये 6 मंथ्स के 8 मंथ्स में भी ये जरूर आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि 323 के टारगेट आपको इजिली अचीव हो सकता है। स्टॉक कोई बुरा नहीं है फ्रेंड्स, अगर अपर लेवल पे आपका बाइंग प्राइस है तो आप स्टॉक को होल्ड कीजिए, आपका प्राइस आ ही जाएगा, आपको इमिडिएटली लॉस बुक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम अभी की बात करते हैं, अभी करंट मार्केट प्राइस पर चल रहा है 193, 193 से अगर आप लेके चलेंगे तो अगर 283 तक इस स्टॉक में पोजीशन बना के रखते हैं, आपको एक 47% का गेन मिल सकता है, जो कि 6 मंथ्स में ये टारगेट आपका अचीव हो सकता है। क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है, जिस दिन भागेगा ना, एक हफ्ते के अंदर भी आपका टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट टारगेट की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट 323 के पास में है, आपको ये टारगेट भी अचीव हो सकता है, जो कि आपको 8 9 मंथ्स में ये टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है। अगर आपका फिर भी इस लेवल पे बाइंग नहीं है, बाइंग लेवल आपका अगर अपर लेवल पे आप बाइंग करके रखे हुए हैं स्टॉक में, आप लॉस बुक मत कीजिए, लॉस बुक मत कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो लेवल है ना, ये लेवल पे ऐसा नहीं कि आप अकेला फंसे हुए हैं, ऐसे काफ़ी सारा यहाँ पे काफ़ी सारा इन्वेस्टर भी रहेंगे तो ये लेवल पे होंगे, काफ़ी सारा ऑपरेटर भी रहेंगे इस लेवल पे होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है इसके लिए आपको टाइम लग जाए, 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो कब ये लेवल देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये लेवल तक जरूर स्टॉक आ सकता है, ठीक है। अभी नहीं आएगा तो कभी भी आ सकता है, लेकिन आप लॉस बुक कर देंगे तो फिर आपको स्टॉक मार्केट से बहुत सारा लॉस होगा, ठीक है। ये लेवल तक आप रुके रहेंगे ना, तो आपको ऐसा भी हो सकता है आपको 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, लेकिन ये टारगेट आपको देखने को जरूर मिल सकता है, ठीक है, तभी आप निकलिए, ठीक है। अगर आपको पोजीशन बनाना है इमीडिएट स्विंग ट्रेड के लिए, तो मैं आपको यही दो लेवल बताए, ये दोनों लेवल पे आप पोजीशन बना के चल सकते हैं।
लेकिन अगर ये लेवल तक आप इंतजार करेंगे, हो सकता है 1 साल 1.5 साल लग जाए, लेकिन ये लेवल तो जरूर आएगा, क्योंकि ऑपरेटर भी वहाँ पे है, उनका भी कुछ बाइंग लेवल रहेगा। वहाँ तक अगर हम देखते हैं 165% का गेन है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम भी लग सकता है, ऐसा हो सकता है उसमें 1-2 साल भी लग सकता है। तो लेकिन अगर आपको इमिडिएटली शॉर्ट टर्म गेन चाहिए तो आप ये दोनों लेवल को नोट कर लीजिए, 283 और 323, उसी हिसाब से आप ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी डिसीजन रहेगा फ्रेंड्स, वो आपके डिसीजन रहेगा, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स है, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन होता है, तो उस टाइम पे इस स्टॉक में भी थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। अभी हमारे पास में बहुत सारा स्टॉक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो उस हिसाब से आपको कौन सा गेन चाहिए। आपको अगर 67% का गेन चाहिए तो ये स्टॉक में आप पोजिशन बना के चल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 25% का गेन चाहिए, यहाँ पे हनीवेल में भी जा सकते हैं, इन्फोएज में जा सकते हैं। जहाँ पे लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड भी लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जो भी कर रहे हैं वो डिसीजन आपका रहना चाहिए, क्योंकि आप प्रॉफिट होगा तो आपको ही होगा, लॉस होगा तो आपको ही होगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा खुद का भी एनालिसिस कीजिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखिए फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन रखिए। एक स्टॉक में मिनिमम आपको 4-5% इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको रिस्क भी इतना नहीं रहेगा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।